प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। ये सच्चाई है। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है भाइयों और बहनों? इसका सिर्फ एक लक्ष्य है, हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हक छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। यह जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, टैक्स डिपार्टमेंट चला के साथ देश चलाया जा सकता है। सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो, को दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। भाइयों और बहनों, कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। यह ऐसे ही नहीं बोला गया, यह टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा,
और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, मुझे बताइए जीएसटी से, बंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ, किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ, किस किसान को फायदा हुआ, बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन। 22 लोग हैं, जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं। मैंने जाति जनगणना की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की, यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, ये आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। जो चुनाव है, यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। यह चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक, उसको बचाने का चुनाव है। यह बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर यह चुनाव, जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कल में से एक व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चाहिए। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला, चुनाव से कुछ ही महीने पहले। अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने थे नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। एनो, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सीनियर नेतागण का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
कि आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के जेल में डालने के विरोध में यहां आके हमारा हौसला बढ़ाया। एक बार मैं तालियां चाहूंगा आपकी तरफ से भी। बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। 40 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदनलाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं है, हम वो पत्ते नहीं है जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके अगर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है, फैमिली में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं, मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं। और आपके साथ है, आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन आपका प्यार है। तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी दे के मोदी मोदी करवाना बहुत ईजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। जब दिल से बोलता है, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जैसे राहुल जी कह रहे हैं, ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये सीएए लेके आए। मैं पार्लियामेंट में था, मैं एमपी था तब। मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, कहते नहीं जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड, कहते। मैंने कहा जी 30 सेकंड, कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? नहीं। मैंने कहा जी 20 सेकंड, कहते 20। मैंने कहा हाँ। स्पीकर साहब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब। सेकंड में बोला, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? आंखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? पर एक व्यक्ति नहीं है अरविंद केजरीवाल, एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के, मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लगे होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए। चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से कोई वाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं, और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है। गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूँ, कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही झुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके दो नारे लगा दीजिए, इनकलाब की वंदे, बोले सोनिहाल। हम खड़गे साहब, आज
इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हो रही लोकतंत्र बचाओ रैली में पधारे आप सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। मीटिंग यहां पर बुलाई है और इसके लिए मैं हमारे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और खासकर ये जो मीटिंग है इस एक ही उद्देश्य है कि विपक्ष इकट्ठा होना चाहिए। इस सभा में उपस्थित हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, भगवंत मान जी, सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी जी, अब्दुल्ला जी, डॉक्टर राजा डी राजा जी, मोदी तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो हमेशा तानाशाही के विचारधारा वाले हैं। मुझे परसों वो मिले थे, सॉरी कल मिले थे राष्ट्रपति भवन पे, वहां पर शाह थे, नड्डा थे और मोदी जी भी थे और दूसरे नेता लोग भी थे। तो मुझे नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है, तो मैंने यही कहा हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं पक्ष चुनाव नहीं हो रहा और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं। इस करके मुझ पे जो पेनल्टी लगाई 567 करोड़ मुझ पे लगाई है, 14 लाख का हिसाब हमने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने